तो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने सीएम खट्टर और गृहमंत्री विज के बीच बढ़े तकरार पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार में सब ठीक ठाक है। साथ ही बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के बयान का समर्थन भी किया, जिससे बिजली का बिल नहीं भरने वाले लोगों के बच्चों को परीक्षाओं में बैठने से रोकने की वकालत की गई है। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा की सियासी घमासान बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी तूफान की स्थिति, अनिल विज और मुख्यमंत्री आमने सामने। ऐसा मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है, जितना आप मीडिया के साथी इसको उछाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो केवल ज्यादा मीडिया के अंदर आकर के इस टाइप की बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस बार जो 2020 का साल है उसको सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से सरकार जो चल करके कार्य करने का काम करेगी। सुशासन वर्ष आप मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच में सुशासन बना रहेगा? निश्चित रूप से। ये तो आपने जो पिछला टर्म था उसके अंदर भी इस टाइप की काफी बातें करने का काम किया था और इस टाइप का कोई भी मामला नहीं है। अनिल विज ने यह भी कहा था कि सरकार उनकी मुखबिरी करवा रही है, उनके रिकॉर्डिंग्स की जा रही है, उनके कॉल इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। पिछली सरकार की अगर आप बात करें तो आरोप ये भी लगा था। पिछली बार कितनी बढ़िया तरीके से चली नहीं सरकार, आपके सामने है जो जिस तरीके से जो यहाँ नौकरियों की बोली लगती थी उस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया। बहुमत की सरकार बहुमत के पीछे चली गई, यही वजह आप बता रहे हैं शायद बहुत बढ़िया सरकार चली। अब उससे भी और ज्यादा बढ़िया चलेगी क्योंकि पहले इतना तजुर्बा नहीं था। पहले नई सरकार थी, अब तजुर्बेकार सरकार है और निश्चित रूप से जितना विकास कार्य पिछली बार हुआ उससे और ज्यादा विकास कार्य इस बार होगा। शायद आप मुख्यमंत्री के तजुर्बे की बात कर रहे हैं, पहले से ज्यादा हो गया। पूरे सरकार के तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। चलिए, जननायक जनता पार्टी में भी इसी तरीके का तूफान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नानून से विधायक रामकुमार गौतम आर बार की स्थिति सरकार के लिए पैदा कर चुके हैं, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के लिए पैदा कर चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? उनका अंदरूनी मामला है और वो अपना तय पर वो दोगी ज्यादा इस बारे में बेहतर बता सकते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अंदरूनी मामला अगर सरकार पर हिचकोले खाने को मजबूर कर दे तो फिर तो बोलेंगे ना। सरकार बहुत बढ़िया से चल रही है और बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि 2020 का जो हमारा जो टारगेट है सरकार का, वो सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का संकल्प जो है सरकार ने लेने का काम किया है 2020 के अंदर, और जैसे मैंने पहले कहा कि विकास कार्य और भी ज्यादा जो है गति से करेंगे। चलिए, बिजली मंत्री का एक बयान सामने आया, उसमें ये कहा गया कि जो लोग बिजली के बिल नहीं भरते हैं उनके बच्चों को कंपटीशन में नहीं बैठने देंगे, और कंवर पाल गुर्जर शिक्षा मंत्री ने भी इसी बयान का समर्थन कर दिया है। देखिए, जो हम जो दैनिक जरूरियात की हमारी जो चीजें हैं जो सरकार से हम ले रहे हैं, चाहे कहीं टैक्स भरने की बात हो चाहे बिजली के बिल भरने की बात हो, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर अदरवाइज हम ये सिस्टम चलेगा कैसे? अगर कोई बिजली का बिल नहीं भरता है और हम चाहते हैं कि 24 घंटे हमारी बिजली आए तो फिर कैसे संभव होगा? अगर हम टैक्स नहीं भरते हैं और हम ये सोचे कि रोड हमारे बढ़िया हो तो ये फिर कैसे संभव होगा? हमें विकास भी चाहिए और अगर हम बिल या टैक्स ना देना चाहें तो ये दोनों चीजों तो साथ साथ नहीं चल पाएगी। लेकिन तरीके पर सवाल है, जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं, उसके साथ ही हम ये कह रहे हैं कि पिता अगर किन्हीं कारणों से बिजली का बिल नहीं भर पाए तो उसके बच्चे को कॉम्पिटिशन में नहीं बैठने देंगे, पढ़ाई आगे नहीं करने देंगे, कहाँ तक जाए? नहीं, मैंने इस बात का समर्थन किया है कि हमें बिजली का बिल भरना चाहिए। हमें जो जो तरीके पर जो 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 चाहे वो पानी का है चाहे बिजली का है चाहे और कोई चीज हम सुविधा ले रहे हैं जिसके लिए हमें जो टैक्स देना पड़ता है। आज हम निगम के अंदर यहाँ खड़े और निगम का अगर हम टैक्स नहीं देंगे, हमारा जो हाउस टैक्स है, हमारी जो दूसरी चीजें हैं, तो हमें किस तरीके से इनकी सीवर की पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से दे पाएंगे? चलिए, मैं सीधा सवाल रख देता हूँ, क्या बच्चों को एग्जाम में बैठने से रोकना चाहिए अगर उसके पिता बिजली का बिल नहीं भर पाए तो? आपको आप इसके लिए मैं ये तो नहीं कहता कि उसको उसमें रोकना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि उसकी स्थिति क्या है ये देखते हुए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो जो आज देखिए जो बिजली का बिल है वो इतना बड़ा बिजली का बिल नहीं होता अगर कोई गरीब आदमी है कि वो बिल ना भर सके। आपके घर के अंदर कई एसी भी लगे हैं और आपका बिल इतना ज्यादा आ गया है और आप बिल नहीं भर रहे हैं तो क्यों नहीं रोकना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
साथ ओर से डिप्टी स्पीकर भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अगर लोग सक्षम होते हुए भी बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो उनके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।